अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ख्याल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जाना पहचाना नाम आगा सदाम अब्बास के आप खिदमत आप में हाजिर है। आज ये हमारे माशाल्लाह ताला जी हाजी साहब मोहम्मद अयूब साहब संगा वाशिंग मशीन वाले अली भाई और हमारे बड़े ही प्यार वाले भाई करीब करीब असल साहब और चोरी एहसन एडवोकेट साहब और हमारे भाई हमायूं भाई इमरान शाह और जितने भी हमारे दोस्त साहब हैं, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल के बाद हम अपने फार्म पे इफ्तिताह कर रहे हैं, ठीक है। और इनसे हमारा करवाने का मकसद क्या है, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं और हमारी बड़ों की अल्हम्दुलिल्लाह जगह पे अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा इनको हमारे सर पे कायम रखे, तंदरुस्ती दे, अल्लाह ताला की ज़ात लंबी उम्र दे और हाजी यूब साहब को अल्लाह ताला की ज़ात से तंदरुस्ती दे। आज इंशाल्लाह ताला जी तमाम जितने भी दोस्त साहब आ गए हमारी खुशियों में शामिल हुए, इनका जी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर इंशाल्लाह जी इनके बाद जी अपने बछड़ों का भी शो करवाते हैं। हाजी साहब बिस्मिल्लाह करें। वो लैट तो उधर कर मोदी आजो 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 तो स्पेशली जी मैं इनका थैंक यू करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं इनका कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और हमें इस काबिल समझा कि फॉर्म का इफ्तिताह करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला जी बाकी इनके लिए दुआ दो है काली साहब आगे आके ज़रा दुआ कर दें कि अल्लाह ताला की ज़ात होगी हमारे बड़े भाई आगा जाफर बाद साहब, ठीक है, ज़रा दुआएँ खैर कर दें कि अल्लाह ताला की ज़ात इस फार्म को हमारे जितने भी दोस्त साहब आप हैं, जितने भी हमारे फैमिली है देखने वाली, जितने भी लोग हमारे रिज़ के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए दुआ गो हैं, जिनका अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें हसीन रिज़ बनाया, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात इंसानों को इंसान के साथ जोड़ देती है, ठीक है, इसी ही तरह रिज़्क बढ़ता जाता है। तो मैं तो इतना सा इंसान हूँ तो मैं बस जितना अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ कि मेरे लिए वो ही बड़ा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने किस गली किस मोहल्ले से मुझे उठा के किस मुकाम पे बैठा दिया, तो मैं अल्लाह से बहुत अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर अपने दोस्तों का और अपने हर सब का अपने बड़ों का दुआ खैर करें ताकि अल्लाह ताला की ज़ात जी फार्म को रौनक दे। फॉर्म का इफ्तिताह किया, इनका आना इनके लिए इस फॉर्म के लिए बाइस बरकत बना। आमीन। मौला कायना जिस तरह इन्होंने आगा साहब के साथ मोहब्बत फरमाई, मौला इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के सबके लिए बाइस बरकत बना। मौला कायना ये आगा सदाम अब्बास हमारा दोस्त है, उनकी नीयतों से वाकिफ है, जिस तरह से ये लोगों की सेहत के साथ मोहब्बत इखलास के साथ पेश आते हैं, मौला इनकी मोहब्बत कबूल फरमा के इनके रिजक में उम्र में इलम में हिलम में मजीद बरकत दिया था। इनके भाइयों में के जितने भी भाई हैं उन सबके उम्र में इलम में हिलम में मजीद बरकत देता फरमा, खसूस इस फॉर्म को नजर बद से महफूज के शर से महफूज के हसर से महफूज फरमा, शैतानों के शर से महफूज फरमा, मौला इस फॉर्म को इस फॉर्म रहने वाले जितने भी जानवर हैं और उनकी केयर करने वाले जितने भी वर्कर हैं सबको ज़मीन से निकलने वाली आसमान से उतरने वाली हर बला से महफूज फरमा। मौला कायनात इनके कारोबार में दिल दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला कायनात इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सब की जोलियाँ अपनी रहमत से कबूल फरमा, मौला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हर किस्म की परेशानी से महफूज फरमा, मौला इनकी आने वाली जो ज़िंदगी है मौला उस जिंदगी के अंदर खुशियाँ पैदा फरमा, मौला इनकी जोलियाँ अपनी रहमत से कबूल फरमा, मौला इनके हक में जो बेहतर है वो अता फरमा, इनके हक में बेहतर से महफूज फरमा, मौला ये जितने भी लोग तेरे महबूब के उम्मती आए मौला इनके उठे हुए हाथ अपनी बारगाह में कबूल फरमा के आगा सदाम की वालदैन की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल, मौला उनकी कब्र पर अपनी रहमतों अजमतों बरकतों रिफतों का नज़ूल फरमा, मौला जिस तरह इनके भाइयों के सर से वालदैन का साया चला गया अपनी रहमत का साया था फरमा, अपने फजल का साया था फरमा, मौला हमें मांगना नहीं आता तुम्हें देना आता है,
ये जितने भी लोग हैं इन सब के हक में जो बेहतर है वो ने अता फरमा, जो इनके हक में बेहतर नहीं उसे माफूम फरमा। मौला अपने हबीब के सदके हमें ऐसा बनने की तौफीक दे दे जिसके बनने से तू और तेरा महबूब खुश हो जाए, और ऐसा बनने की तौफीक ना दे जिसके बनने से तू और तेरा महबूब खराब हो जाए। हमारे अली साहब हैं, एडवोकेट साहब, जितने भी दोस्त आगा साहब के मोहब्बत में शरीक हुए, मौला इनकी भी जोड़ी अपनी रहमत से मौला इनका साया हमारे सरों पे कादेर सलामत फरमा। मौला इनकी शफकतें, इनकी मोहब्बतें अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सबको गुंबद खतरा की आदरी नसीब। मौला अपने महबूब के शहर की आदरी नसीब, अपने महबूब के रोजे के सामने खड़े होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने की तौफीक अता। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही। बहुत शुक्रिया आगा साहब। वही तरह नहीं है।